फ्रेंड्स, आपको हाल ही में अंतरिक्ष में दिखे चमकती रोशनी का रहस्य बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने अंतरिक्ष के कबाड़ खाने में तब्दील होने की चेतावनी दी थी। उनकी इस थ्योरी को केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना गया, जिसके मुताबिक पृथ्वी की कक्षा में मौजूद कचरा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां यह अधिक मात्रा में खगोलीय मलबा पैदा करेगा, जो सक्रिय सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स और मिशन प्लैनर्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। इंसानों को अंतरिक्ष में पहला कदम रखे 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। अब वैज्ञानिकों की नज़र मंगल जैसे ग्रह पर है, जो कभी एक सपना हुआ करती थी। इस तरह की ने केसलर थ्योरी को सच के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं कैसे। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को कई उल्का पिंड की आतिशबाजी दिखाई पड़ी थी। इस रहस्यमय रोशनी को लेकर खगोलविद जोनाथन मैकडोवेल ने कहा कि यह दरअसल चीनी रॉकेट का मलबा था, जो पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश कर रहा था। इसी तरह का मलबा बड़ी मात्रा में हमारी पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है। अक्सर इसी मलबे के टुकड़े धरती पर जलते हुए गिरते हैं, जो कई बार रिहायशी इलाकों में गिरने पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मलबे को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में है, जैसे अंतरिक्ष में यह मलबा कहाँ से इकट्ठा होता है, इस मलबे से क्या नुकसान है, और क्या अंतरिक्ष में सैटेलाइट के मलबे ने जाम लगा दी है। पहले जान लेते हैं अंतरिक्ष का मलबा यानी खगोलीय मलबा क्या होता है। खगोलीय मलबा लॉन्च व्हीकल या स्पेस क्राफ्ट के टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जो धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैरता रहता है। मलबे के विशालकाय टुकड़ों का स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। अंतरिक्ष में विस्फोट के कारण भी कचरा पैदा होता है, जो अक्सर देशों द्वारा किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण या अपनी ही सैटेलाइट को तबाह करने का नतीजा होता है, जिसके कारण मलबा बढ़ता रहता है। रूस, चीन, अमेरिका और भारत अपनी सैटेलाइट को खत्म करने वाले देश हैं, जिनसे अंतरिक्ष में काफी कचरा इकट्ठा हो गया है। यह मलबा इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि यह 25,265 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यह रफ्तार किसी भी बड़े धमाके को अंजाम देने के लिए काफी है। एक्सपर्ट कहते हैं हर सैटेलाइट जो ऑर्बिट में प्रवेश करती है उसे खगोलीय मलबा बनने की संभावना होती है। एलोन मस्क के स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के मलबे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी सरकार के मुताबिक सॉफ्ट बॉल से बड़े मलबे के लगभग 23,000 टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास मौजूद मलबे के टुकड़े दिन में 15 से 16 बार धरती का चक्कर लगाते हैं, जिससे टकराव का खतरा काफी बढ़ जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का अनुमान है कि पृथ्वी की कक्षा में सभी अंतरिक्ष पिंडों का कुल द्रव्यमान यानी मास 9,600 टन से भी अधिक है। ESA के होल्गर क्रे के एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि अगर इसी तरह से मलबा बढ़ता रहा तो एक दिन अंतरिक्ष का एक हिस्सा बेकार हो जाएगा। नासा का कहना है कि कक्षा में 600 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर मौजूद मलबा कुछ साल में धरती पर वापस गिरेगा, लेकिन 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद कचरा करीब एक शताब्दी या उससे अधिक समय तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा। मलबे के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है सैटेलाइट, जिनकी भीड़ पृथ्वी के कक्षा में बढ़ती जा रही है। ड्यूसॉफ्ट की 1 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में कुल 4,550 सैटेलाइट मौजूद हैं, जिसमें से 3,790 सैटेलाइट निचली कक्षा में मौजूद हैं। इन सभी सैटेलाइट्स को विभिन्न देशों की 50 अलग अलग ऑपरेटर्स या स्पेस एजेंसी संचालित करती है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1,655 सैटेलाइट एलोन मस्क की कंपनी SpaceX की है। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय की 129, रूसी रक्षा मंत्रालय की 125, नासा की 60, इसरो की 47 और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की 45 सैटेलाइट ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, और ये सारे सैटेलाइट कभी न कभी मलबे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।